अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और सैमसंग की आज नई डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी A13 न्यूली लॉन्च डिवाइस, कल ही लॉन्च किया गया है इसको, खामोशी के साथ ज़्यादा अपडेट नहीं दी गई। दो वेरिएंट्स रखे गए हैं, 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट और 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। 464 30,700 रुपये की प्राइस के अंदर और 4GB 128GB रोम का वेरिएंट 33,600 रुपये की प्राइस के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है। और देखते हैं बॉक्स से निकाल के क्या लुक है डिवाइस का, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, बॉक्स में क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी A13। अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अनबॉक्स करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 को। बॉक्स का ओवरव्यू लें तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे डिवाइस वेरिफिकेशन का एक स्टिकर मिलता है, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। नीचे की साइड पे यहाँ पे मॉडल मेंशन है, 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और ये पीच कलर है मेरे पास, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है और ये सील लगी हुई है। सबसे पहले हम रैपिंग उतारते हैं। यहाँ पर डिवाइस वेरीफिकेशन का तरीका बताया गया है PTA की तरफ से और ये बैक साइड पर भी एक सील है, इसको भी काट लेते हैं। सबसे ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर आई थिंक यहाँ पे होंगे हमारे पास पेपर वर्क, ये क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड मिल रही है हमारे पास यहाँ पे और ये बॉक्स खाली हो गया। उसके बाद है हमारी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A13। तीन चीज़ें हाईलाइट की हैं, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, क्वाड कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर। पीच कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं। वाओ, डिवाइस प्यारी लग रही है, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम बॉक्स का कंटेंट देख लेते हैं। डिवाइस को ऑन करके सैमसंग का लोगो आ गया, डिवाइस जब तक ऑन हो रही है बॉक्स का कंटेंट देखें अगर तो एक चार्जर ब्रिक है और अगर इसकी हम पावर देखें तो ये 10 और 15 वॉट की चार्जिंग है, 9 वॉट 1.6 एम्पीयर। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलने वाली है, बैक साइड पे लिखा हुआ भी है अडाप्टिव फास्ट चार्जिंग। और इसके अलावा चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल यहाँ पे हमारे पास टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है, टाइप सी कनेक्टिविटी, ये अच्छी अपग्रेड्स हैं सैमसंग की तरफ से। A12 के बारे में देखें और A12 से मुकाबले में A13 के अंदर। इसके अलावा बैक साइड पे यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है और ये वो एक्सेसरीज हैं जो सैमसंग गैलेक्सी A13 के बॉक्स में हमें मिल रही हैं। अब डिवाइस ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो डिवाइस यहाँ पे रेडी हो गई है सैमसंग गैलेक्सी A13। सबसे पहले फर्स्ट लुक ले लेते हैं। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं, इसी के साथ पावर ऑन ऑफ की है और यही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। ऊपर के साइड ब्लैंक है, ऊपर के साइड पर आपको सिर्फ एयरपीस मिल रहा है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल रही है, स्लॉट देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सी होगी। और जो पूरा इसका फ्रेम है वो भी इसको बहुत प्यारा लग रहा है पीच कलर में। सिम ट्रे यहाँ पे आपको 3 कार्ड स्लॉट मिलने वाली है, 2 नैनो सिम और 1 डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए। 128GB की स्टोरेज आपको ऑलरेडी मिल रही है, इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं। डाउन साइड पे देखते हैं, स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग जैक है, टाइप सी कनेक्टिविटी, ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का। डिवाइस बहुत स्लिम है, यहाँ पे बात करें इसके वेट की तो 195 ग्राम डिवाइस का वेट है, इतनी ज़रा भारी भी नहीं है डिवाइस, लेकिन हैंड फील काफ़ी अच्छी है डिवाइस की। और टच मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टच रिस्पॉन्स जो है इसका, डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होगा PLS LCD लगाई गई है, लेकिन फुल HD+ रेजोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, यानी 1080x2400 pixels का 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ और 400 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें मिल रही है। ब्राइटनेस देख लेते हैं, ब्राइटनेस टाइम पे फुल नहीं थी, मैं इसको ब्राइटनेस को फुल करता हूँ अगर, तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले हो गया ब्राइटनेस फुल करने के बाद, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आउटडोर में भी चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्निंग ग्रीला ग्लास की 5th जनरेशन की प्रोडक्शन भी दी गई है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कोई वैसा ब्रांड नहीं होगा जो आपको कॉर्निंग ग्रीला ग्लास की 5th जनरेशन की प्रोडक्शन दे। इसके अलावा बैक साइड प्लास्टिक की है, फ्रेम प्लास्टिक का है और पीच कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कैमरा बम बिल्कुल उसी टाइप का है जिस तरह लास्ट टाइम सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरह था। यहाँ पे कैमरा बम नहीं है, जो कैमरा सेंसर्स हैं वही बॉडी से थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्वाड कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मैचेस भी नहीं पड़ रहे बॉडी पे। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। फ्रंट साइड पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है और चिन का ये थोड़ा सा आप यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा है, लेकिन एजेस जो है वो बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83.2% मिल रहा है
और इसके अलावा बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर भी सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्रोवाइड किया है विद अपर्चर f1.8, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा विद अपर्चर f2.2, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा विद अपर्चर f2.4 और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा विद अपर्चर f2.4। तो यहाँ पे कैमरा रिजल्ट भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कैमरा फीचर्स देख लेते हैं। कैमरा रिजल्ट तो हम इसकी एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे। कैमरा ओपन करती है हमारे पास, यहाँ पे ऊपर के साइड पे आपको स्पेक्ट्रा शॉक ऑप्शन मिल रहा है, फिल्टर्स मिल रहे हैं, इसके अलावा टाइमर का ऑप्शन है, आप उसको 0.5x पे लेके जा सकते हैं, अल्ट्रा वाइड पिक्चर पे कैप्चर कर सकते हैं और 2x जूम पे जाएगी डिवाइस, मैक्सिमम 10x जूम पे जाती है। वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो वीडियो आपके पास फुल HD प्लस 30 FPS पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, और इसके अलावा मोर के फीचर में आपको प्रो पैनोरामा फूड और मैक्रो ऑप्शन मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, बैकग्राउंड आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट इंटरेस्ट स्ट्रेंथ दी गई है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.2। और कैमरा रिजल्ट कैसा होगा वो उस पर डेडिकेटेड रिव्यू बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे चिपसेट लगाई गई है एक्सिनोस 850 की, सैमसंग की अपनी चिपसेट है और ये 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करती है। यहाँ पे ऑक्टा कोर CPU हमें मिलने वाला है अब 2 GHz का और GPU होगा माली G52 का। ये हमने चिपसेट इससे पहले सैमसंग गलेक्सी A51 के अंदर भी देखी थी जो कि 50,000 रुपये की रेंज की डिवाइस थी, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने इसको 30,000, 31,000, 32,000 रुपये की प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। परफॉर्मेंस अच्छी है और चेक भी कर लेंगे बहुत जल्दी, इसमें टेक रिव्यू करेंगे, उसमें हम इसमें गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे और उसके अलावा इसका किसी दूसरी डिवाइस के साथ कंपेरिजन भी करेंगे और कैमरा रिजल्ट भी चेक करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ बॉक्स डिवाइस आ रही है एंड्रॉयड 12 पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है, जबकि यहाँ पे जो आपका वन यू आई है वो 4.1 मिल रहा है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एक मिड रेंज की डिवाइस आप प्रोवाइड की है सैमसंग ने और सैमसंग का UI मुझे वैसे ही काफ़ी पसंद है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है यहाँ पे आपको, इसमें 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस और आपको आउट द बॉक्स 15W का चार्जर भी मिल रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे डिवाइस अच्छी लग रही है, लुक वाइज भी, हैंड फील भी अच्छी है डिवाइस की और टच बहुत अच्छा है डिवाइस का। जो डिस्प्ले है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइट डिस्प्ले है और प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छी लग रही है। मेड इन पाकिस्तान होने की वजह से प्राइस कम आई है, अगर ये मेड इन पाकिस्तान नहीं होती, पहले लॉन्च होती तो आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती। दूसरे यहाँ पर सैमसंग के ब्रांड नेम है, सैमसंग UI है जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है और इसमें कोई लैग नहीं आता, जल्दी ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टर्म चलने वाले फोन होते हैं। तो आप लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे तो डिवाइस पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।